बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस इज द वीडियो लेसन ऑफ माई इंग्लिश बुक 7 फॉर क्लास 7। एज दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर of second term, we are going to start unit number 4 of this book. Dear students, इकरा हुफ्फाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से हम सेकेंड टर्म की पहली क्लास में मिल रहे हैं। और सेकेंड टर्म की पहली क्लास में, चूँकि सेकेंड टर्म में हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यूनिट नंबर 4 ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और आपके इल्म में होगा कि यूनिट नंबर 4 में जो हमारा रीडिंग का जो पोर्शन है उसमें हमने पोयम पढ़नी है। तो पोयम के अंदर जो न्यू वर्ड्स हैं, जो अब तक शायद आपने नहीं पढ़े और सुने होंगे या आपके लिए कुछ न्यू होंगे, उनको हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है और उनके साथ उनकी उर्दू मीनिंग भी लिखी है, ताकि आपको सही तरह समझ में आ सके। पोयम जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक एक स्टैंजा आपको क्लियर हो सके। इसके साथ साथ पोयम में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, जिसको हम कंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं और उनकी फुल फॉर्म्स भी लिख दी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को, और उसके बाद फिर हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ कर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम पोएम की रीडिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए न्यू वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जितने भी न्यू वर्ड्स पोयम में थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहला वर्ड साइट। साइट की उर्दू मीनिंग मैंने लिखी है बीनाई, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ड है वंडरस। इसकी उर्दू मीनिंग लिखी है मैंने हैरान कुन। नंबर 3 साइज। इसकी उर्दू मीनिंग लिखी है मैंने आह, यानी गम का इजहार करने के लिए जो हम कोई भी लफ्ज़ कहें उसको हम इंग्लिश में साइज कहते हैं, यानी आह भरना या आह। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मॉर्न। इसकी उर्दू मीनिंग है मातम करना, यानी गम के इजहार में रोना धोना और अपने आप को पीटना, मातम करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हेल्पलेस। इसकी उर्दू मीनिंग मैंने लिखी है बदकिस्मत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पेशेंस। इसकी उर्दू मीनिंग सब्र। नेक्स्ट वर्ड चीयर। इसकी उर्दू मीनिंग खुशी। सेकंड लास्ट वर्ड दस, THUS। इसकी उर्दू मीनिंग लिखी हुई है फिर। सबसे लास्ट वर्ड जो हमने न्यू वर्ड्स में से देखा वो है ऑल्दो, ALTHOUGH। ऑल्दो इसकी उर्दू मीनिंग मैंने लिखी है हालांकि, ठीक है। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे जो पोयम में ऐसे यूज़ किए गए हैं जो शायद आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, तो वो मैंने आपको पढ़कर भी सुना दिए और उनकी मीनिंग भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स कम टू द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड देयर फुल फॉर्म्स। अब हम शॉर्ट फॉर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में ये वर्ड्स लिखे गए हैं कॉल्ड, नियर, वेनेयर, टूअर और नियर। इनको इनकी फुल फॉर्म्स में क्या क्या है, कॉल्ड CALLED, ये इसकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद नियर, असल में ये है नेवर, ठीक है। नेवर को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और इसकी फुल फॉर्म ये है। इसके बाद व्हेनेवर, ठीक है। व्हेनेवर की शॉर्ट फॉर्म ये है व्हेनेवर, और इसको फुल फॉर्म में व्हेनेवर WHENEVER व्हेनेवर, ये कॉमन वर्ड है। इसके बाद है टूअर, एक्चुअली ये है इट वर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा भी ऐसे ही जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है इट वर, और ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं नेवर। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं शॉर्ट फॉर्म्स के साथ, और इनकी फुल फॉर्म्स भी हमने जान ली है। पोयम में शॉर्ट फॉर्म्स को हम
यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और तकरीबन हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है कि कुछ वर्ड्स के अंदर हम चेंजिंग कर देते हैं जब उसको हम किसी पोएम में, किसी नज़्म में लिख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम उसका कोई वज़न, उसकी राइम बनाना चाह रहे होते हैं, तो राइमिंग में कभी कभी वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, उनकी ओरिजिनल फॉर्म से उनको हटाकर दूसरी फॉर्म में ले जाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर इनको लिखा गया है, और ये अप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म इनकी मैंने आपके सामने लिख दी है। लेट्स कम टू द बुक एंड देन वी विल रीड पोएम एंड आई विल टेल यू मीनिंग ऑफ दैट पोएम। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं और फिर आपको मैं उसकी मीनिंग्स बताऊंगा भी, और पोएम की रीडिंग भी हम कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम रीडिंग भी करते हैं और साथ साथ इस पोएम की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है? इसको पोएम भी पढ़ते हैं और पोएम भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, पोएम एंड पोएम। ओके, लेट्स रीड दिस पोएम। लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। ध्यान से सुनते जाइएगा और फिर मेरे पढ़ने के बाद आप इसको रिपीट करते जाइएगा। पोएम का नेम है द ब्लाइंड बॉय। ओह से व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड लाइट। Which I must ne'er enjoy. What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. इस इन चारों स्टेंजास में बच्चा कहता है कि मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको तुम रोशनी कहते हो, यानी रोशनी के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि उस बेचारे ने रोशनी कभी देखी ही नहीं है। विच आई नेवर मस्ट इन्जॉय, जो मैंने कभी भी, जिससे मैं कभी भी लुत्फानंदोज़ नहीं हुआ, जिसका मज़ा मैंने कभी भी नहीं देखा, उस रोशनी के बारे में मुझे बताओ। और बिनाई से क्या नेमतें मिलती हैं, बिनाई की क्या क्या नेमतें हैं, यानी जिसके पास बिनाई है वो किन किन नेमतों को हासिल कर सकता है। और फिर कहता है कि अपने मज़लूम नाबीना लड़के को बताओ इन सब चीज़ों के बारे में। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he? Or make it day or night? इसमें इन चारों स्टेंजाज में ये कहता है कि तुम लोग हैरान कुन चीज़ों के बारे में बात करते हो, और तुम कहते हो कि सूरज बहुत उजला चमकता है, यानी उसकी रोशनी ऐसा उजाला फैलाती है कि हर चीज़ को रोशन कर देती है। वो कहता है कि मैंने इसकी हिद्दत को, इसकी गर्माइश को तो महसूस किया है, बट मैंने ये नहीं देखा कि सूरज रात को दिन में कैसे बदलता है, और जब सूरज गुरूब होता है तो दिन रात में कैसे बदलता है, ये मैंने कभी नहीं देखा। अब वो आगे क्या कहता है देखिए। माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, व्हेनेवर आई स्लीप और प्ले, एंड कुड आई एवर कीप अवेक With me, twere always day. वो
कहता है कि मेरा दिन और मेरी रात मैं खुद बनाता हूँ, मतलब मैं अपनी मर्जी से दिन और रात करता हूँ, मैं दुनिया के साथ नहीं चल सकता क्योंकि दुनिया में जो निज़ाम है वो तो सूरज जब निकलता है तो दिन हो जाता है, लोग उसको दिन समझकर अपनी ज़रूरियात के लिए चले जाते हैं, कामों पे निकलते हैं, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई कुछ करने, लेकिन उसके लिए तो ये रोशनी की नेमत है ही नहीं, वो देख ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि मैं अपना दिन अपनी रात खुद बनाता हूँ, जब भी मैं सोता हूँ या खेलता हूँ, यानी जब मैं सोता हूँ तो रात हो जाती है मेरे लिए और जब मैं खेलता हूँ तो मेरे लिए दिन हो जाता है। और वो कहता है कि जब भी मैं जाग जाऊँ, जब भी मैं जाग जाऊँ, इट वर ऑलवेज डे, तो ये मेरे लिए क्या होता है, ये दिन होता है। यानी उसके लिए जागने और सोने का ताल्लुक रोशनी और दिन से नहीं है, बल्कि उसके लिए उसकी मर्ज़ी और उसकी तबीयत है, जब उसको नींद आ गई वो सो जाएगा तो उसके लिए ये रात है, और जब उसकी नींद ख़त्म हो गई वो जाग गया तो उसके लिए ये दिन है। अब इस स्टैंजाज में जो सेकंड लास्ट है उसमें क्या कहता है, With heavy sighs I often hear you mourn my hapless woe. But sure with patience I can bear. A loss I ne'er can know. वो कहता है कि बहुत ज़्यादा आहों के साथ मैं सुनता हूँ कि तुम लोग मेरी बदकिस्मती पर और मेरी परेशानियों का मातम करते हो, लेकिन मैं सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करता रहता हूँ, एक ऐसे नुकसान को जिसके बारे में मैं कभी नहीं जान सकता, जो जिस गम को मैं कभी समझ ही नहीं सकता कि वो लॉस, वो नुकसान मेरा कैसा है, उसको मैं तुम्हारे आहोजारी पर तुम्हारे मातम करने को सुनकर वो समझता रहता हूँ, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करता रहता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है कि मेरा कैसा लॉस हुआ है। आखिर में वो कहता है, देन लेट नॉट वॉट आई कैन नॉट हैव माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय. Whistle, thus I sing, I am a king. Although a poor blind boy. वो इसमें कहता है कि मुझे मत जानने दो उस चीज के बारे में जो मेरे पास नहीं है, मुझे मत उसकी मालूमात दो, मत उस बारे में मुझे बताओ जो कुछ मैंने खोया है, जो कुछ मेरे पास नहीं है, कि मेरे दिमाग की खुशी, मेरे दिल की खुशी उससे क्या होती है, तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कि मैं फिर गम और फिक्र में मुब्तला हो जाता हूँ। वो कहता है कि मैं तो बस अपनी धुन में मगन रहता हूँ और सीटियां बजाता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ कि मैं तो बादशाह हूँ, हालांकि मैं एक मजलूम नाबीना लड़का हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मजलूम नाबीना लड़के की तरफ से एक पोएम लिखी गई है और ये मैंने आपके सामने रीड आउट भी कर दी है और इसको हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने
दो काम करने होंगे। एक तो जो मैंने वर्ड्स आपको वीडियो के स्टार्ट में बोर्ड पर बताए थे, उनकी मीनिंग्स बताई थी, उन मीनिंग्स को आप यहाँ वर्ड्स पर देखिए सर्च करके। जैसे यहाँ एक वर्ड यहाँ पर आ गया साइट, और इस तरह के और वर्ड्स जो जो आते जाएंगे उनको आप उनके ऊपर ही पेंसिल से वो मीनिंग आप लिख लीजिएगा। और सेकंड आपका टास्क ये होगा कि आपने उन वर्ड्स की जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स और उनकी उर्दू मीनिंग्स को, स्पेलिंग्स को तो आपने स्पेशली याद करना होगा और उर्दू मीनिंग्स को भी आप याद कर लेंगे। और लास्ट आपका टास्क इसमें ये होगा कि आपने शॉर्ट फॉर्म्स जो इसमें यूज्ड हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स को आप अंडरलाइन करेंगे। 5 वर्ड्स हैं वो मैंने शॉर्ट फॉर्म वाले जो मैंने कॉलम बनाए थे बोर्ड पर वो उस पर मैंने लिख दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे भी आप ढूंढ लेंगे आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये दो काम मैंने आपको बताए। पहला काम मैंने क्या बताया आपको, वर्ड्स जो न्यू वर्ड्स हैं उनके ऊपर ही उनकी उर्दू मीनिंग आप लिख लेंगे पेंसिल से और उसकी स्पेलिंग्स याद कर लेंगे, ये एक काम हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम ऑफ यूनिट नंबर 4। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुँचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरह से रीडिंग को भी समझ गए होंगे और जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगी। वर्ड्स की प्रोनंसिएशन के कौन से वर्ड्स को मैंने कैसे प्रोनाउंस किया है वो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। आपके लिए यही एडवाइस है मेरी कि जो आपको होमवर्क मैंने इसमें बताया कि वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है आपको, वर्ड्स के ऊपर ही बुक में ही पेंसिल से वर्ड्स के ऊपर ही उसकी उर्दू मीनिंग लिखनी है और उन वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, तो ये काम आप कर लीजिएगा ख़ास तौर से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो काम करने में तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।